नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं मेरठ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मेरठ में महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। दूध लेकर वापस लौट रही महिला की हत्या यहां पर हुई है। घर के सामने महिला की गोली मारकर हत्या मेरठ से बड़ी खबर है। महिला का ससुराल वालों से विवाद चल रहा था, ये बात सामने आ रही है, और महिला ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, ये बात भी सामने आ रही है। पुलिस पर महिला की शिकायत को अनसुना करने का आरोप है। ये बड़ी खबर मेरठ से। मेरठ के न्यू मेवला कॉलोनी में ये वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर, महिला को गोली मारकर हत्या। दूध लेकर वापस घर लौट रही थी और घर के सामने ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। महिला को गोली मारी गई, महिला की हत्या की गई है। ससुराल वालों के साथ में विवाद महिला का चल रहा था, ये बात सामने आ रही है, और अपनी जान को खतरा भी महिला लगातार बता रही थी और इसको लेकर सुरक्षा की गुहार भी वो लगा रही थी, ये बात सामने आ रही है। इसी पर मेरे साथी सुधीर चौहान जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ मेरठ से। सुधीर, अब क्या कह रही है सबसे पहले तो पुलिस, और ये भी बताया जा रहा है कि पहले भी सुरक्षा की डिमांड महिला ने की थी, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। देखिए दीपा, मैं बता दूं कि काफी समय से ये पति पत्नी दोनों अलग चल रहे थे। महिला का अपने ससुरालियों से विवाद चल रहा था, जिसके कारण से ये अपने मायके में रह रही थी, और इसी दौरान जो है इसने अपने ससुरालियों से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी कि उसे जो है अपनी जान का खतरा है अपने ससुराल वालों से, लेकिन पुलिस ने शायद उसको गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते आज सुबह तड़के ही इसकी जो है महिला की हत्या कर दी गई। उस समय जब ये महिला दूध लेने के लिए गई थी और दूध लेकर के अपने घर वापिस लौट रही, तो घर के बाहर ही इसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी ठीक है, शुक्रिया सुधीर आपका पूरी जानकारी के लिए। आगरा से बड़ी खबर है। आगरा में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इनकम टैक्स अधिकारी बनकर लोगों के घरों पर फर्जी रेड मारते थे और घरों और दफ्तरों पर छापेमारी करके लूट की वारदात को अंजाम देते थे। इस पूरे ही गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। स्पेशल 26 फिल्म की तर्ज पर छापेमारी कर ये चोरी की वारदातों को, ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आज लखनऊ में मुलाकात करेंगे, और मुलाकात के दौरान दिल्ली के सीएम सपा प्रमुख से केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन भी मांगेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता और इसके अलावा सियासी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे अखिलेश यादव से, और इसके अलावा विपक्षी एकता को लेकर भी सियासी मुद्दों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव सामने और विपक्षी एकता को लेकर लगातार बैठकें भी अलग अलग हिस्सों में विपक्षी दलों के नेताओं की हो रही है, ये आप देख रहे हैं। और अखिलेश यादव से आज मिलने वाले हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ उनका पूरा डेलीगेशन, यानी कि पंजाब के सीएम भगवंत मान होंगे, राज्यसभा सांसद संजय सिंह होंगे, राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे। केजरीवाल विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं, और इस अभियान के तहत विपक्षी पार्टी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मुलाकात का मकसद क्या है, ये समझिए आप। केंद्र के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश पर मंथन लगातार हो रहा है, और केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव से। आपके संजय सिंह, राघव चड्ढा भी डेलीगेशन में मौजूद है, उनकी भी मौजूदगी होगी मुलाकात के दरमियान। और देखिए, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मुलाकात के दौरान मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र अध्यादेश लेकर के आई केंद्र सरकार, और दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई है, जिसको कानून बनाने की तैयारी में केंद्र सरकार है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कमीशन गठित वाला अध्यादेश है। ट्रांसफर पोस्टिंग का अंतिम फैसला एलजी के पास का प्रावधान है, और साथ ही केंद्र ने अध्यादेश लाकर एलजी को फिर से अधिकार सौंपे हैं। अखिलेश ने अध्यादेश को बताया था न्यायपालिका का अपमान, और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से ही मुलाकात आज के दिन करने वाले हैं। आइए सीधे आपको लखनऊ लिए चले, मेरे साथी शैलेश अरोड़ा वहां से जुड़े हुए हैं। शैलेश, आज तो मुलाकात होनी है अरविंद केजरीवाल की अखिलेश यादव के साथ में, दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है,
और पूरा डेलीगेशन जो रहता है अलग अलग हिस्सों में, हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जहां जहां पर भी विपक्षी नेताओं से मिले हैं पूरा डेलीगेशन उनके साथ में मौजूद रहा है, यहां भी वो अपने डेलीगेशन के साथ ही आएंगे शैलेश? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक बड़ी मुलाकात आज ये, और दो इसको सिर्फ जो वर्तमान में जो अध्यादेश है वहां तक देखा जाए, बल्कि इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है मुख्य रूप से। आपको बताएं कि इस समय पहले हम सपा कार्यालय के बाहर का नजारा दिखाते हैं दीपा अपने दर्शकों को, आप देखिए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये बड़े बड़े होल्डिंग जो है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर लगे उनके स्वागत में, और ऐसे होल्डिंग इस पूरी सड़क पर आप जो देख पा रहे हैं, जो ऊपर नीले और नीचे पीले रंग के होल्डिंग जितने भी लगे हैं ये पूरा विक्रमादित्य मार्ग है, और यहाँ हम इस समय सपा कार्यालय पर है, और यहाँ से लेकिन हम देख सकते हैं जो पूर्व सीएम है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका आवाज क्योंकि यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर है, चंद सौ मीटर की, जो यहाँ से साफ नजर आ रहा है, उस आवाज के सामने भी ऐसे ही होल्डिंग लगे हुए हम देख पा रहे हैं इस पूरी रोड पर। और आज की ये जो मुलाकात है अहम क्यों, देखिए अगर बात करें जो केंद्र सरकार का अध्यादेश है उसमें लोकसभा में भले ही बहुमत हो, लेकिन अगर आप देखते हैं राज्यसभा के आंकड़ों को, तो राज्यसभा में भाजपा जो है वो अपने सहयोगी दलों के साथ 105 है, और विपक्षी दल जो है अगर सारे विपक्षी दलों को मिला लिया जाए तो उनकी संख्या 133 होती है। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जो है वो विपक्षी दलों को साथ जोड़ने में जुटे हुए हैं, कई दलों का समर्थन मिल चुका है, और आज इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात होगी केंद्र सरकार का जो ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ अधिकारियों के अध्यादेश है बिल है उसको लेकर। लेकिन निश्चित रूप से जब दोनों दिग्गज मिलेंगे तो उसके बाद मुलाकात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी, चर्चा उस पर भी होगी, मंथन उस पर भी होगा लगातार, जिसे लेकर विपक्षी एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर भी मंथन होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे, पंजाब के सीएम भगवंत मान रहेंगे, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं संजय सिंह राज्यसभा सांसद है वो रहेंगे, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और लगभग जो अभी फिलहाल टेंटेटिव एक शेड्यूल है 2:30 बजे अरविंद केजरीवाल लगभग लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, लगभग 3 से 3:15 बजे के बीच पे इसी सपा कार्यालय पर उनकी मुलाकात होगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ, और 4 बजे के आसपास वो लोग मीडिया से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, शरद पवार से और उद्धव ठाकरे से, तमाम बड़े नेताओं से विपक्ष की वो मुलाकात कर चुके हैं, और आज 2:30 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और 3 बजे के आसपास का वक्त आप बता रहे हैं जब अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होनी है, इस मुलाकात पर लगातार हमारी नजर है। शुक्रिया आपका शैलेश पूरी जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नोएडा में टिफिन पर बैठक करने वाले हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सांसद महेश शर्मा के साथ ही सभी विधायक और पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर संवाद करेंगे और लोकसभा चुनाव के मिशन 80 पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, इसमें पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और पुराने कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। इनमें वो भी शामिल होंगे जिनके पास कभी कोई पद रहा ही नहीं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत क्या है इसकी जानकारी भी जुटाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। देखिए भाजपा के लिए 14 लोकसभा सीटें क्यों अहम है ये जानिए आप। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती थी। जून 2022 उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर की सीट भी जीत ली, और यूपी की बाकी 14 लोकसभा सीट को जीतना भाजपा का लक्ष्य है। 2019 लोकसभा चुनाव में अम्बेडकर नगर सीट भाजपा हार गई थी, और 2022 में अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई, यानी कि हार गई। भाजपा के लिए अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहम है। श्रावस्ती लोकसभा सीट भाजपा सिर्फ 5,000 वोटों से हारी थी, और 2019 के चुनाव में सहारनपुर सीट 22,000 वोट से भाजपा हारी थी। बिजनौर लोकसभा सीट भी 70,000 वोटों से भाजपा हारी थी, और साथ ही संभल लोकसभा सीट भाजपा 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारी थी। मुरादाबाद सीट को लेकर भी जान लीजिए, लोकसभा सीट भाजपा 95,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर हारी थी, और साथ ही अमरोहा लोकसभा सीट भाजपा 75,000 से ज्यादा वोटों से यहां पर हारी थी। तो ये सीटें क्यों बीजेपी के लिए अहम है और इसको लेकर क्यों लगातार मंथन हो रहा है, इसी पर लगातार हमारी नजर है। आज टिफिन पर बैठक करने वाले हैं।
अविनाश तिवारी मेरे साथी जुड़ चुके हैं नोएडा से, सीधे उनकी शुरू कर लेते हैं। अविनाश, आज तो टिफिन पर मंथन करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कौन कौन मौजूद रहेंगे, किस तरीके से इसकी पूरी रूपरेखा तय होगी, आगे किस तरीके से बढ़ना है, इसी को लेकर वो मंत्र भी देंगे और चर्चा भी करेंगे। अविनाश जी, बिल्कुल दीपा, अगर बात करें तो ये बैठक 3 तारीख को आगरा में होनी थी, जहां पर अगर बात करें तो पहुंच करके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टिफिन पर बैठक की शुरुआत करनी थी, लेकिन उस दिन जिस तरीके से उड़ीसा के बालासोर में दुखद ट्रेन हादसा हुआ था, इस वजह से ये बैठक टाल दी गई थी और ये बैठक की शुरुआत आज से हो रही है। यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे उत्तर प्रदेश में टिफिन बैठक की शुरुआत आज से कर रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे नोएडा के LPS स्कूल पर पहुंचेंगे और वहाँ पर तमाम सारे जो नोएडा के कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो बौद्धिक वर्ग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और जनसंवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का जो 9 साल पूरा हुआ है, इन 9 सालों में क्या उपलब्धियां रही हैं, इसको जन जन तक पहुंचाना है। अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ये बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान है और इस महाजनसंपर्क अभियान में बीजेपी की कोशिश है कि देश भर के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद किया जाए, उनको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाए, जिससे कि कार्यकर्ता नीचे जाकर के जमीन पर जो आम नागरिक हैं उनको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं, प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं और उनके साथ बैठकर बातचीत करें। कोशिश ये भी रहेगी जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको भी जो है मना लिया जाए, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है, लिहाजा ऐसे में पार्टी अपनी ओर से पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है। और देश भर में अगर बात करें तो इस तरीके की अब बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि ये सब शिरकत करेंगे और जो मकसद रहेगा, मकसद एक ही रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम नागरिक तक पहुंचा जा सके, जिनसे कि जनसंवाद स्थापित किया जा सके और फिर आम नागरिक तक पहुंच के 2024 में एक बड़ी जीत दर्ज की जा सके। आज की बैठक के बाद अगर बात करें तो रूपरेखा भी तय होगी कि आगे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में रैली की कराई जाए, जिससे कि रैली कराने के दौरान जो तमाम थरी हारी हुई सीट है वहां पर भी असर डाला जा सके। इसके अलावा अगर बात करें तो आज की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे, वो दिल्ली से ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नोएडा आएंगे और यहाँ पे सांसद महेश शर्मा के साथ साथ जितने भी विधायक हैं, चाहे वो जेवर के विधायक हो, दादरी के विधायक हो या गौतम बुद्ध नगर के विधायक हो, तीनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा संगठन के भी तमाम सारे लोग मौजूद रहेंगे और उन्हीं की मौजूदगी में ये महाजनसंपर्क अभियान के तहत संवाद किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, तो तमाम बड़े लीडर्स भी इसमें दिखाई देंगे, जेपी नड्डा सभी के साथ ही टिफिन पर बैठक करेंगे और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर लगातार काम कर रहे हैं उनको भी और मजबूती के साथ 2024 चूंकि अब बहुत नजदीक है जुट जाने का सभी से आह्वान करेंगे। आगे की पूरी रूपरेखा किस तरीके से होगी, क्या आने वाले वक्त में और बदलाव होंगे, किस तरीके से और आगे कार्यक्रम होंगे, इसी को लेकर भी चर्चा की जाएगी टिफिन बैठक में। शुक्रिया अविनाश आपका पूरी जानकारी। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात पर भाजपा का तंज, भाजपा ने इस पर तंज कसा के मोहल्ले के नेताओं के मिलने से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं, दोनों आपस में समझौता भी कर ले तो भी फायदा होने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल का यूपी में कोई जनाधार नहीं है, ये भाजपा का तंज है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन साहब हैं। शहनवाज भाई, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है 2024 के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? विपक्ष एकजुट नहीं हो रहा है, कुछ लोगों के ख्वाब एकजुट हो रहे हैं और सबके मन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने पल रहे हैं। इन्हें लगता है हम इकट्ठे होके लड़ेंगे, लेकिन जनता इकट्ठी हो गई है मोदी जी के साथ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वही हाल होगा जो पिछले लोकसभा चुनाव में लालू यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का हुआ। आम आदमी पार्टी मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है। दिल्ली में बहुत सारी परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार के मसले पर उनके बहुत से नेता परेशान हैं, तो मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल टूरिज्म में लगे हुए हैं। पहले क्या क्या बोलते थे समाजवादी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल, क्या वो अखिलेश यादव से उन विचारों के लिए माफ़ी मांगेंगे? किसी की पैतृक सीट लोकतंत्र में होती है क्या? इसी फूलपुर से इलाहाबाद सीट कही जाती है, आज देखिए यहाँ से मैडम MP है। नहीं, हम तो 4 क्लस्टर हैं जिसमें प्रयागराज है, फूलपुर है, प्रतापगढ़ है और अमेठी है। इन चारों सीट पर किसी न किसी एक नेता को आना था, मुझे इन चारों सीटों की जिम्मेदारी है। ये तो मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, वो उनकी पार्टी में वो
क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं ये तो मुझे बताती नहीं है, वो तो कांग्रेस का ही कोई प्रवक्ता बताएगा, मैं क्यों बोलूँगा उसमें, वो किस पद पर रहें ना रहें ये तो उनकी मर्जी है। अभी हमने राम मंदिर को हिंदुत्व को लिखा नहीं मुद्दा, हमारे विरोधी बनाते हैं वो मुद्दा, हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं। अभी भी गरीब कल्याण वर्ष मना रहे हैं, ये हमने काम करके दिखाया मोदी जी के नेतृत्व में। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बेहतर प्रदर्शन करेगी, 400 के करीब सीटें जीत सकती है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। देखिए 2024 को लेकर भाजपा युवा मोर्चा का मेगा प्लान तैयार हो चुका है। नए मतदाताओं के बीच में पहला वोट मोदी अभियान चलाएगा भाजयुमो। भाजयुमो डोर टू डोर जाकर के जनसंपर्क के जरिए 20 लाख युवा लाभार्थियों से संपर्क करेगा, ये खबर है। बाइक यात्रा लेकर के हर मंडल, शक्ति केंद्र, गांव, मोहल्ले तक जाएंगे भाजयुमो के कार्यकर्ता। और 14 से 21 जून तक भाजपा युवा मोर्चा का बड़ा अभियान चलने वाला है। हर जिले के कॉलेज, कैंपस, कोचिंग सेंटर्स में युवाओं से संपर्क और संवाद किया जाएगा। 12 जून तक नए मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम भी चलेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूपी सरकार के कई मंत्री और विधायक टिकट की दौड़ में जुटे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 में कई विधायकों को टिकट मिलना तय है। सूत्र बता रहे हैं पूर्व से पश्चिम तक के कई भाजपा विधायक टिकट की दौड़ में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के तमाम मौजूदा सांसद के लिए अपने ही चुनौती बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार के कई मंत्री और विधायक लड़ना चाहते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए विधायक सांसद पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कानपुर से दिनेश शर्मा और स्पीकर सतीश महाना के नाम की चर्चा सूत्र कर रहे हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। कुशीनगर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का नाम भी सबसे आगे बताया जा रहा है। 2024 की तैयारी, भाजपा में टिकट की दावेदारी। यूपी सरकार के कई मंत्री और विधायक टिकट की दौड़ में जुटे हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में कई विधायकों को टिकट मिलना तय है, ये बात भी सामने आ रही है। और साथ ही देखिए पूरब से लेकर के पश्चिम तक के कई भाजपा विधायक टिकट की दौड़ में जुटे हुए हैं। भाजपा के तमाम मौजूदा सांसद के लिए अपने ही जो है वो चुनौती बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप देखिए योगी सरकार के कई मंत्री और विधायक चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये बात सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए विधायक सांसद पर भारी पड़ रहे हैं। कानपुर से खबर ये है, कानपुर से दिनेश शर्मा और स्पीकर सतीश महाना के नाम की चर्चा सूत्र कर रहे हैं। और साथ ही कुशीनगर से भी खबर है, कुशीनगर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का नाम सबसे आगे सूत्र रख रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही देवरिया सीट से भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी का नाम आगे चल रहा है, सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं। और बस्ती से पूर्व विधायक सीपी शुक्ला पेश कर रहे हैं अपनी दावेदारी। बाराबंकी से खबर है कि बाराबंकी से प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत के नाम की चर्चा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपके सामने है। आप देखिए अपने ही किस तरीके से चुनौती बन रहे हैं मंत्रियों के लिए, ये बड़ी खबर आपके सामने हमने रखी। 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने सम्मेलन और महासंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की गई है। भाजपा के सभी 7 मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन भी आज से शुरू हो रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली और कानपुर में रहेंगे, संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बांदा और फतेहपुर में सभी मोर्चों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। तो ये पूरी तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की, आप देखिए किस तरीके से बीजेपी लगातार कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। महासंपर्क अभियान पहले से ही चल रहा है, आज से भाजपा के 7 मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन शुरू हो रहा है और तमाम दिग्गज अलग अलग हिस्सों में मोर्चा संभालेंगे, इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कानपुर में रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, की जानकारी है। 7 मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन, 7 मोर्चा सम्मेलन का मकसद क्या है ये आपको बता दें। 2024 को लेकर भाजपा का मेगा प्लान है। महासंपर्क अभियान के तहत 80 लोकसभा में तमाम कार्यक्रम होंगे और साथ ही 403 विधानसभाओं में भाजपा कार्यक्रम करने जा रही है। भाजपा के सभी 1918 मंडल में जीत की रणनीति है। 27,634 शक्ति केंद्रों में भी भाजपा का बड़ा अभियान ये चलेगा और 1,74,030 बूथ केंद्रों पर कार्यक्रम होना के 21 क्लस्टर्स बना करके भाजपा ये अभियान आगे बढ़ाएगी।
20 जून तक भाजपा के लोकसभा को लेकर अभियान चलने वाले हैं, तो अलग अलग हिस्सों में लगातार ये कार्यक्रम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 20 जून तक के कहा जा रहा है कि भाजपा के लोकसभा को लेकर यह अभियान है। और बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के राहुल गांधी पर विवादित बयान पर सियासी उबाल है। आगरा में उन्होंने जहां राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया, वहीं अखिलेश यादव सभी गुंडों का सरदार उन्होंने बताया था अखिलेश यादव को। केशव प्रसाद मौर्य ने रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर कहा कि प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ ले, लेकिन सुपड़ा साफ होना तय है। पहले ही राहुल गांधी को दिए बयान को लेकर उबाल, अब प्रियंका गांधी को लेकर कहा है भले ही चुनाव कहीं से भी लड़े लेकिन हार ना तय है। मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, उनको आगरा में कोई अस्पताल है वहाँ एडमिट करा देना। मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन नहीं ठीक है, उनको आगरा में कोई अस्पताल है वहाँ एडमिट करा देना। समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों माफियाओं की पार्टी है, उसके सरदार श्री अखिलेश यादव जी हैं। अगर एक उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल के रूप में इस प्रकार का बयान मैंने सुना नहीं, आप बता रहे हो उसके जवाब में दे रहा हूँ। उनकी मानसिकता ही यही है कि वो कैसे गुंडागर्दी बढ़े, लेकिन हम गुंडागर्दी नहीं बढ़ने देंगे। जो गुंडाई करेगा, अपराध करेगा, जमीन मकान दुकान कब्जा करेगा, जो दंगा करेगा उसकी जगह जेल में है। निश्चित तौर से जो भाजपा विरोधी हैं वो सब एक साथ मिल जाएं, लेकिन जनता उनके साथ मिलने वाली नहीं है। जनता ने तय करके रखा है, हमारे नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी को ही फिर बनाएंगे, कमल खिलाएंगे, साइकिल पंचर करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।